13.3.3 गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए हम गोली दर्पणों जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहां भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। दर्पणों के समान लेंसों में भी सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V तथा लेंस की फोकस दूरी F, वस्तु की ऊंचाई H तथा प्रतिबिंब ऊंचाई H डैश के मान में उचित चिन्हों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। 13.3.4 गोलीय लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम। लेंस की मोटाई कम होने के कारण हम किरण आरेख के लिए लेंस को दो सतहों के स्थान पर एक ही सतह की भांति मानेंगे। अपवर्तन के नियमों के अनुसार नीचे दिए गए किरण आरेखों का अध्ययन करें। आपस में चर्चा करें कि मुख्य अक्ष पर गमन कर रही प्रकाश किरण की दिशा अपवर्तन के पश्चात कैसी होगी। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण की दिशा क्या होगी। मुख्य अक्ष के समानांतर गमन कर रही प्रकाश किरणों का क्या होगा। फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण का क्या होगा। एक अन्य स्थिति के बारे में विचार कीजिए। यदि प्रकाश की कुछ समानांतर किरणें मुख्य अक्ष से किसी कोण पर लेंस पर पड़े तो क्या होगा। इस स्थिति में किरणें फोकल प्लेन पर किसी बिंदु से गुजरती नजर आएगी उत्तल लेंस के लिए, अथवा अपसरित होती प्रतीत होंगी अवतल लेंस के लिए। चित्र 18 देखें।